हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद करेले को बीज से ग्रो करके बहुत सारे करेले उगा सकते हैं अपने छोटी सी किचन गार्डन में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो कोई भी सब्जी उगाने का पहला रूल होता है कि मौसम सही हमें पता होना चाहिए, कौन से मौसम में हमें सब्जी लगानी है। तो करेले के बीज को आप मई से लगाना स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपकी तरफ सर्दी नवंबर लास्ट में तेज होती है तो आप जुलाई लास्ट तक भी करेले को लगा सकते हो। दूसरा कि बीज हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छी वैरायटी का होना चाहिए। तो आप बीज लोकल सीड स्टोर से लें, ऑनलाइन परचेज करें, लेकिन बीज हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर बीज अच्छा होता तो एक बेल से हमें काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग करने को मिलती है। और करेले की बेल को आप 12 इंची की ग्रो बैग गमले में भी लगा सकते हो, या फिर मेरी तरह पुराने घड़े में इसको लगा सकते हो, तो काफ़ी अच्छे से ये लग जाती है। तो पुराने घड़े में जब आप लगा रहे हो तो आपको एक ही बेल यहाँ लगानी है। तो यहाँ हमने घड़ों के अंदर एक बैगन का पेड़ लगाया, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ से मिलता है। हमें एक ही प्लांट्स एक घड़े के अंदर ग्रो करना है, एक गमले के अंदर एक ही प्लांट्स हमें लगाना है, दो तीन नहीं लगाने, तो उससे हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। यहाँ मिर्ची देख रहे हो, ये भी मैंने एक ही पेड़ लगाया और काफ़ी अच्छी सी हार्वेस्टिंग हमें करने को मिल रही है। यह एक पुरानी बकेट है, उसके अंदर मैंने पालक की बेल लगाई, पालक लगाई हुई है, एक ही पेड़ उसमें है। इसके अलावा खीरे की बेल भी मैंने यहाँ लगाई है। तो मैं पालक के पेड़ को हटा दूँगी जब खीरे की बेल थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और इधर पुराने मटके के अंदर ही हमने धनिया लगा रखा, तो पुराने मटकों में भी हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट रहता है। तो यहाँ बेल हमारी करेले की हमने पुराने मटके इसमें लगाई है। तो अगर आपके घर में कोई पुराना मटका पड़ा हो तो आप उसमें इसको ग्रो कर सकते हो। तो ये 15 दिन बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये बेल 15 दिन बाद, हमने 15 दिन पहले इसको हमने लगाया था। तो बीज को हमें 1/2 इंच नीचे मिट्टी में दबाना है, और उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया है किस तरह इसकी मिट्टी हमने तैयार की है और किस तरह से हमने इसको लगाया था, उसका वीडियो मैंने डाल रखा है। तो जब भी कोई सब्जी का पौधा हम लगाते हैं तो उसमें मिट्टी में हमें कंपोस्ट जरूर मिलाना है। तो यहाँ पे 60% मिट्टी है, 40% हमने इसमें कंपोस्ट मिट्टी में बीज ग्रो करने से पहले मिला लिया था, और उसके बाद हमने बीज ग्रो किया। तो बीज को हमें 1/2 इंच गहरा मिट्टी में दबाना है, और एक साथ आप एक गमले के अंदर एक ही बीज ग्रो करें। बीज आप 2 या 3 लगा सकते हो, लेकिन रखना आपको लास्ट में एक ही पेड़ है, क्योंकि एक ही पेड़ हमें काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग दे देता है। अब ये हम सपोर्ट के लिए 4 स्टिक हमने लगा दिए जिससे हमारी बेल अच्छे से फैल जाए, और उसको रस्सी से भी बांध दिया है कि बेल काफ़ी अच्छे से फैल जाएगी और हमें हार्वेस्टिंग करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो काफ़ी अच्छे से आप करेलों की हार्वेस्टिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आप लगा सकते हो, काफ़ी अच्छे से करेले इसमें लगते हैं। तो यहाँ देख रहे हो काफ़ी अच्छे करेले यहाँ लग रहे हैं। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। एकदम पुराने मटके का हमने यहाँ प्रयोग किया है, बिल्कुल कोई पुराना मटका हो आपके पास, पुरानी बकेट वगैरह हो तो आप उसमें लगा सकते हो, या फिर 12 इंची का गमले में भी आप उसको लगा सकते हो। काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग करने को आपको मिलती है। और जब आप कंपोस्ट लगभग 1 महीने बाद डालो तो कम से कम 200 ग्राम कंपोस्ट इसमें ज़रूर डालें, और 15 से 20 दिन के अंतराल में आप इस पर नीम ऑयल का भी स्प्रे करते रहें। इससे किसी प्रकार का कीड़ा वगैरह जो फंगस वगैरह लगती है वो नहीं लगेगी। तो आप नीम ऑयल जब बनाएं तो 5 ml नीम ऑयल लें, 1 लीटर पानी में उसे मिला लें, और थोड़ा सा लिक्विड जो हैंड वाश होता है 3 से 4 ml वो हमें उसमें मिलाना है, और उसके बाद आप उसको स्प्रे कर दें। या फिर नीम की पत्तियों को भी बॉईल करके उसको जो पानी होता है ठंडा करके वो भी हम इस पर स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे किसी प्रकार के कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, आप इन केयर टिप्स को अपनाकर आप करेले के पौधों को आसानी से बालकनी में लगा सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।